सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आपका जीवन सुख समृद्धि और स्वास्थ्य वर्धक हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि फेस्टिव सीजन आ चुका है और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं कि भाई हमको घर को चमकाना है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। साथ में पार्लर भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इतने टाइम में तो घर का ही कोई ना कोई काम हो जाएगा, दिमाग तो उसी में लगा रहता है और पार्लर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। DIY बनाने का भी टाइम नहीं है क्योंकि कौन इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करे, उसके बाद DIY बनाए, बैठे सब कुछ करे। लेकिन साथ में मैं कोई केमिकल से रिलेटेड या केमिकल वाली क्रीम भी नहीं यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्किन को पैम्पर भी करना है, ब्राइटन अप भी करना है, लाइटन अप भी करना है, फर्म भी करना है, फेस्टिव रेडी भी करना है, बट विदाउट एनी केमिकल पील या विदाउट एनी केमिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और साथ ही साथ इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं आपकी स्किन के लिए वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करने वाली है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशायरा और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे। यहाँ मैं लाती हूँ हफ्ते में 3 दिन बेहतरीन DIY और साथ में ऑनेस्ट रिव्यू उन प्रोडक्ट्स का जो मुझे बहुत अच्छे से सूट करती है और डेफिनेटली वो आपको भी सूट करेंगी। सो यहाँ मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। इसको मैं खुद यूज कर चुकी हूँ और मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो जिस प्रोडक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो है मदर स्पर्श का टर्मरिक हीलिंग फेस पाउडर या फेस उपटन आप कह लो और इट इज जस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट। इसमें आपको मिल जाता है रोज पेटल, सैफ्रॉन, ऑरेंज पील और हल्दी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं हमारी स्किन पे। इसमें आपको मिलेगा सैफ्रॉन। सैफ्रॉन इज वेल नोन फॉर द स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज। इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही अच्छे से इनहेंस कर देती है और बहुत ही जल्दी आपके स्किन पे, आपके फेस पे आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पड़ा हुआ है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील इज वेरी रिच इन विटामिन सी। आपको पता नहीं होगा शायद कि जो ऑरेंज जूस है उससे भी 10 गुना ज्यादा जो है वो आपको ऑरेंज पील में विटामिन सी मिल जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो कि था वाइटनिंग वाला पाउडर जो कि बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने यूज किया और बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट मिला। ऑरेंज पील इज वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। जिनको लेमन या लेमन पील सूट नहीं करता है तो वो उसकी जगह ऑरेंज पील पाउडर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मिलेगा आपको हल्दी। हल्दी इज एन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। इसमें आपको स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन के दाग धब्बे हैं उनको ये कम करेगा। हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें बहुत अच्छी होती है, आपके स्किन को लाइटन अप एंड ब्राइटन अप करेगा और साथ ही साथ आपके स्किन को अच्छे से फर्म करती है हल्दी। हल्दी का यूज आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट जो इसमें मिलेगा वो है रोज पेटल। रोज पेटल आपके गुलाबी निखार के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके स्किन को की एजिंग जो साइंस ऑफ एजिंग है उसको ये रिवर्स करता है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है या जो सारी इंग्रेडिएंट्स आपकी मिलके आपकी एज ऑफ साइंस को रिवर्स करती है, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है। इसको आपको लगाना कैसे है? इसको आपको अपने स्किन के टेक्सचर और स्किन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और नॉर्मल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं विद मिक्सचर ऑफ रोज वाटर। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं विद डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि फिल्टर वाटर के साथ यूज करिएगा, नॉट टैप वाले पानी से। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको दूध के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, हल्की सी दरदरी है। जब आप ड्राई में इसको यूज करते हो तो ये हल्की सी दरदरी है जो कि ये पैक और स्क्रब
रबर दोनों के लिए आपके काम करेगी। इसको मैंने लगाया है, तो मैंने जब इसको लगाया तो इसको मैंने रोज वाटर के साथ मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको लगाया है फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए। जब मैंने इसको लगाया, इसकी जो लगाने के बाद जो स्किन है आपकी बहुत अच्छे से फर्म हो जाएगी, आपकी स्किन पे ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी, कि कुछ पैक होते हैं वो लगाने के बाद ड्राई हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर देगी। ये आपकी स्किन को लाइटन अप करेगी, ब्राइटन अप करेगी, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा फर्म लाएगी, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करेगी। आप इसको कब लगा सकते हो? आप इसको डेली लगा सकते हो, अपने स्किन केयर रूटीन में आप इसको डेली लगा सकते हो। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैसी है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो एक दूसरे को अच्छे से कैच नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को, आप समझ रहे हो ना, कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये थोड़े से मैसी हैं। तो आप मेक श्योर जब भी आप इसको लगाइएगा, आप घर के कपड़ों को पहन के और ऐसी जगह बैठ के लगाइएगा जहां पे जैसे नीचे ये गिरे तो आप इसको क्लीन अप कर सको। लगाने के बाद इसको आपको छोड़ना है 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद आपको इसको नॉर्मल पानी से धो लेना है। रिजल्ट आप खुद देख के शॉक हो जाओगे। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि इसमें हल्दी मिली हुई है तो इस वजह से मेरी जो स्किन है वो पीली हो जाएगी। सो नो डियर, इसमें इतनी मात्रा में हल्दी नहीं मिली है कि ये आपके स्किन की कॉम्प्लेक्शन को अफेक्ट करे या आपकी जो चेहरा है वो पीला पीला पड़ जाए। जो इसमें सैफ्रॉन पड़ी हुई है वो बिल्कुल दिख रही है कि हाँ सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छे से है, और इसमें जो खुशबू है इसकी ये बिल्कुल ऑरेंज और यू नो रोज का मिक्सचर है, बिल्कुल हर्बल, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। प्राइस इसकी 399 रुपीज अमेजोन से मैंने लिया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप भी इस सीजन पे अपने स्किन को पैम्पर करना चाहते हो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। इट इज सो गुड एंड इट वर्क्स सो अमेजिंग ऑन योर स्किन। आपके डार्क स्पॉट्स को ये कम करेगा, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत गजब की है। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 2022 से 2024 तक। नेट वेट है इसका 40 ग्राम एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ वेरी प्लास्टिक जार में है, जो कि आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह शौकीन हो डीआईवाई बनाने को तो ये तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो डियर, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन। आपको इस बीच में कोई भी चीज मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साइड में जो रेड बटन है उसको आपको क्लिक करके ग्रे करना है और आपको बेल बटन पे हिट करना है, जिससे आने वाली सारी फ्यूचर के जितने अच्छे अच्छे मैं फेस्टिव से रिलेटेड डीआईवाई लाऊं आपके स्किन को इनहेंस करने के लिए, वो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ मैं मैंने प्रीवियस भी बहुत सारे डीआईवाई शेयर कर चुकी हूं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, मे बी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन डीआईवाई में भी मिल जाए आपको। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर। आसान नहीं होता है, इजी नहीं है। आप सभी को मेरी और मेरे चैनल की तरफ से